एवरीथिंग इज रिलेटेड टू प्रैक्टिस, सो नथिंग कम्स ईजी. सो हम व्हेनेवर यू प्ले इन अ मैच, यू ऑब्वियसली ऑल दैट एग्जीक्यूशन कम्स थ्रू नेट प्रैक्टिसेस. सो आई ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन दैट. आई ट्राई टू प्रैक्टिस इन द नेट्स एज इफ आई एम प्लेइंग अ मैच. सो टफ प्रैक्टिसेस मेक लाइफ ईजियर, hard practices make life easier. So if the practices are tough, the match is easier. So that is what I always try to do. I'm very hard on myself. I always keep believing in my ability. So I try to do that. So that helps me in the matches as well. I was playing for Gujarat. Syed Mushtaq Ali Trophy hai. तो वहाँ पे मैं खेल रहा था. तो वहाँ पे मुंबई के सामने ही हम खेल रहे थे, गुजरात वर्सेस मुंबई. तो काफ़ी मुंबई इंडियंस के प्लेयर उसमें थे. तो जॉन राइट उस साल कोच अपॉइंट किए थे, तो वो आए थे मैच देखने. तो वहाँ पे उन्होंने मेरी बॉलिंग देखी, दो तीन मैचेस देखे. उसके बाद मुझे कॉल आया कि मुंबई इंडियंस इज़ इंटरेस्टेड इन साइनिंग यू. तो फिर उसके बाद मैं मुंबई इंडियंस में आया. उसके बाद मुंबई इंडियंस में मैं वो साल दो मैचेस खेला, लेजेंड्स के साथ रह के काफ़ी सीखने चीज़ें मिलती. उसके बाद जब मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में गया, तो अच्छा प्रिपरेशन था कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में जो मैंने लेजेंड से बात की कि कैसे चीज़ें कैसे प्रिपेयर करना है, वो सब चीज़ें का कॉम्बिनेशन फिर मेरे को इंडियन टीम में काफ़ी हेल्पफुल रहा. हाँ, लास्ट ईयर जब वो मेंटर थे तो वो ऑलवेज़ मेरे पीछे रहते थे कि इतने रन नहीं जाने चाहिए, ये सिचुएशन में ऐसा है, इतना स्किल है. तो वो हमेशा थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश करते थे. तो वो ये साल अब वो वापस आ रहे हैं एज ए प्लेयर. तो अभी मेरे पास चांस है कि मैं उनकी टांग खींच सकूँ कि आप मेरे पीछे थे लास्ट ईयर, अभी ये साल आपको अभी वही चीज़ें करनी है जो आपने लास्ट ईयर मुझे बोली थी.